दोस्तों दो क्या हाल है आज की इस वीडियो में हम मेल्थ्यूजियम थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन की रिगार्डिंग डिस्कशन करेंगे और जानेंगे कि ये थ्योरी किसने दी है ये थ्योरी क्या कहती है और ये थ्योरी कब आई ठीक है सो तो ये थ्योरी जो है सेवनटीन सेंचुरीज में आई थी ये मेल्थ्यूजियम नामी एक, एक नाम इकोनॉमिस्ट ने दी थी जो कि एक मैथामशियन भी था और इसी वजह से इस थ्योरी का नाम जो मेल्थ्यूजियम थ्योरी रखा गया जो नाम था उस बंदे का जिस बंदे ने थ्योरी दी उसी के नाम पर थ्योरी है ठीक है मेल्थ्यूजियम थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन तो ये पॉपुलेशन के बारे में अब इसकी मैं बेसिकली कुछ क्रक्स दे दूँ आपको कि ये ये थ्योरी कहती है कि जो हमारी ह्यूमन की पॉपुलेशन है वो डबल टाइम इंक्रीज होती है एज़ कम्पेयर टू द रिसोर्स जो फूड होता है ठीक है फूड के मुकाबले वो दुगनी गुना या जोमेट्रिक प्रोग्रेशन में ये बढ़ती है ठीक है यानी कि अगर पॉपुलेशन अगर फूड की जो क्वांटिटी है वो एक से दो होती है तो ये जो है एक से चार हो जाती है ठीक है पॉपुलेशन अब ये इसको क्या आया ऐसा दिमाग में या इसने क्या ऐसा देखा आ, जो जिसकी बेजिस के या जिसकी बुनियाद के ऊपर इसने ये थ्योरी ली अच्छा फॉर पहले फो, मैं ये आपको ये थोड़ा बता दूं कि इसकी जो थ्योरी थी वो उसके ऊपर काफी क्रिटिसिज्म आए और काफी इकोनॉमिक ने इसकी जो थ्योरी है वो रिजेक्ट कर दी ठीक है कि मॉडर्न जमाने में इसकी थ्योरी काम नहीं करती है इसकी थ्योरी जो है वो बिजनेस आ, मानी जाती है अच्छा तो अब पहले हम इसको थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं ये तो मैंने आपको ब्रीफली बता दिया ठीक है

तो उसकी वजह से क्या ऐसा फैक्टर है जिसमें जिसकी वजह से वहां पे जो है डिजास्टर सिचुएशन क्रिएट हो गई तो क्या होता है कि वह, वहां पे मतलब क्या होता है कि वहां पे जैसे ही पॉपुलेशन बढ़ती है तो वहां की एग्रीकल्चर लैंड पे इतना अनाज नहीं उगता कि उस पर भी पॉपुलेशन को फीड कर सके तो जिसकी वजह से क्या होता है कि उस वहां पे लोगों को फाका करना पड़ता है फेमाइन आ जाता है तो जिसकी वजह से काफी डेथ अडाइज होना शुरू हो जाती हैं ठीक है क्योंकि ऑब्वियसली इतना फूड है नहीं अब ये जो बात हो रही है वो सेवनटीन सेंचुरीज की हो रही है ठीक है अब सेवनटीन सेंचुरीज में क्या होता था, था कि जिस तरीके से एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट होता है कितनी स्पीड में हो जाता है कहीं से हमें बाहर मालिक से कोई भी हमारे यहाँ पे अगर कोई चीज़ की शॉर्टेज हो जाती है तो हम बाहर से इम्पोर्ट कर लेते हैं लेकिन उस दौर में ये करना इतना आसान नहीं था ठीक है यहाँ पर जो है इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट करना या ट्रेड करना काफ़ी लिमिटेड था ठीक है आपको काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस पे ट्रैवल करना पड़ता था और आपके पास जो ट्रांस मोड ऑफ़ ट्रांसपोर्टेशन उसमें आपके पास यही घोड़ा गाड़ी और आपके पास जो है बेल गाड़ी इस तरीके के ट्रांसपोर्टेशन हुआ करते थे तो जिस वजह से ना यू कैन यू नो इमेजिन कि कितना डिफ़िकल्ट होता था उस जमाने के अंदर ट्रेड करना तो जिसकी वजह से जो जिस चीज की शॉर्टेज हो जाती थी वो इम्पोर्ट बैड से इम्पोर्ट करके उसकी शॉर्टेज को फुलफ़िल करना पॉसिबल नहीं होता था सम मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम तो जिसका सो उसने ऑब्जर्व किया कि भाई अगर पॉपुलेशन बढ़ती है तो हमें उस पॉपुलेशन को कंट्रोल करना चाहिए अगर हम कंट्रोल नहीं करेंगे तो हमें मैसेफ डिजास्टर्स uh, की सिचुएशन को फेस करना पड़ेगा ठीक so, uh, है सो बेसिकली उसकी पूरी जो थ्योरी है उसका पूरा uh, निचोड़ अगर हम देखें तो यही था ठीक है ना लेट्स सी वॉट ही एक्चुअली तक हमने पढ़ लिया था अच्छा सो so, यहां से थोड़ा पढ़ते हैं इन पॉपुलेशन ऑफ इंग्लैंड एंड वीरियस अदर कंट्रीज ऑफ यूरोप विच इंस्पायर हम टू गिव हज थ्योरी ठीक है जिसकी बेसिस के ऊपर या जिस चीज़ ने उसको इंस्पायर किया कि वो थ्योरी दे वो ये चीज़ थी कि उसने जो इंग्लैंड और यूरोप की जो डिजास्टर सिचुएशन आ गई थी बिकॉज ऑफ द लेक ऑफ रिसोर्स तो उसकी बुनियाद पर उसने ये थ्योरी दी अब थ्योरी में वो क्या कहता है अकॉर्डिंग टू हिम फूड इंक्रीज एट अर्थमेटिक यानी कि स्लोली बहुत ही स्लोली फूड जो है इंक्रीज होता है उसकी जो क्वान्टिटी है बहुत स्लोली इंक्रीज होती है रेट द पॉपुलेशन इंक्रीज एट आई ज्योमेट्रिक रेट यानी कि काफ़ी फास्ट ठीक है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और अर्थमेट्रिक प्रोग्रेशन ये होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में आप प्लस करते हो वन टू थ्री प्लस फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन ठीक है जबकि ज्योमेट्रिक में आप मल्टीप्लाई करते हो ठीक है सो ये होगा कि वन मल्टीप्लाई बाई टू या हर एक नंबर से मल्टीप्लाई वन टू फोर एट सॉरी वन टू फोर या फोर एट सिक्सटीन इस तरीके से जो है वो Uh, बढ़ेगी आपकी पॉपुलेशन ठीक है नो लेट्स गो इन टू मोर डिटेल्स इन दिस थ्री स्टेट्स डेट इफ नो ह्यूमन इंटरवेंशन इंटरवेंशन कहते हैं कि इंटरवीन करना के उसमें जाके मुदाखलत करना ठीक है इफ नो ह्यूमन इंटरवेंशन मेड टू कंट्रोल पॉपुलेशन दैन देर इज गोइंग टू बी अ फूड क्राइसिस या फे माइंड ठीक है तो फूड क्राइसिस अगर आप बर्थ कंट्रोल का इस्तेमाल नहीं करते हो या बर्थ को कंट्रोल नहीं करते हो बर्थ, बर्थ रेट की बात कर रहा हूँ ठीक है सो तो बर्थ रेट को अगर आप कंट्रोल नहीं करते हो तो ऑफ कोर्स आपकी जो पॉपुलेशन है वो उसका रोकेटेड हो जाएगी ठीक है जितने सारे लोग होंगे और वसाइल इतने कम होंगे तो जाहिर सी बताने कम वसाइल इन पूरे लोगों की जो लिमिटेड वांट है उसको सेटिसफाई नहीं कर पाएंगे ठीक है तो ये इस, इस, इस थ्योरी के मुताबिक ह्यूमन को खुद इंटरवेंट करना चाहिए Uh, इस नेचर के यू uh, नो you know, uh, मामले में ठीक है और उसको खुद से जो है ऐसी uh, पॉलिसी इम्प्लीमेंट करवानी चाहिए जिससे uh, बर्थ रेट को कंट्रोल किया जा सके ठीक है ताकि फर्दर uh, जो डिजास्टर सिचुएशन है उसको अवॉइड किया जा सके दिस थ्री फर्स्ट केम आउट इन 1798 एज देयर वाज़ नो मोबिलिटी और स्लो मूवमेंट ऑफ रिसोर्सेज मैन हैड टू ट्रेवल फॉर ईयर्स टू रीच वन प्लेस टू एन अंदर ठीक है जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट इतना आसान नहीं था तो जिसके से उसने ये थ्योरी दी और uh, आज तो ये है कि अगर आपकी पॉपुलेशन कितनी बढ़ जाती है लेकिन अगर आपके पास वसाइल हैं आपके पास uh, जो है आपकी इकनॉमी uh, बूम कर रही है तो आप जो है कोई भी शॉर्टेज हो गया माइनर या फूड शॉर्टेज हो गया तो आप बाहर से इम्पोर्ट कर सकते हो ठीक है पॉपुलेशन इंक्रीज और कहाँ से इम्पोर्ट करोगे जहाँ पर सरप्लस प्रोडक्शन हो रही होगी राइट सो पॉपुलेशन इंक्रीज इन जोमेट्रिक प्रोग्रेशन ठीक है जैसा कि हमने बात की कि पॉपुलेशन जो है इंक्रीज होती है प्रोग्रेशन दैट इज वन टू थ्री फोर तो देख पा रहे हो प्रोग्रेशन जो है वो स्लो है एज कम्पेयर टू दिमैट्रिक प्रोग्रेशन नाउ हाउ टू बैलेंस पॉपुलेशन एंड फूड सप्लाई पहला होता है प्रिवेंटिव चैक्स ये जो है ह्यूमन मेड होता है यानी ये ह्यूमन जो है ऐसे मेजर uh, से ऐसी पॉलिसी अपनाएं जैसे कि चाइना में आई थी वन बर्थ पॉलिसी वन वन चाइल्ड पर पर फैमिली यानी कि आप जो है आपकी पूरी क्योंकि चाइना जो काफी ओवरली पॉपुलेटेड हो गया था तो उन्होंने ये पॉलिसी निकाली कि भाई एक फैमिली में एक ही बच्चा हो सकता है ठीक है एक से ज्यादा वो बच्चे नहीं करेंगे ठीक है और दूसरे गवर्नमेंट जो है इनको अदर फैक्टर्स के थ्रू भी कंट्रोल करने की कोशिश कर सकती है जैसे कि इंसेंटिव्स देकर अगर आपका एक चाइल्ड है तो आपके पास एजुकेशन फ्री होगी ये फ्री होगा हेल्थ केयर होगा उसका लेकिन अगर आपके पास दो चाइल्ड होंगे तो किसी की भी एजुकेशन फ्री नहीं होगी ठीक है so, सो इंसेंटिव देकर जो गवर्नमेंट है इनको इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर सकती है ठीक है बर्थ कंट्रोल को इम्प्लीमेंट कर सकती है दूसरा तो ये कि ये कर सकते हैं कि सेलिब्रिटी अपना सकते हैं लेट मेरेज़स कर सकते हैं ठीक है और इसके अलावा रजिस्ट्रेंट कर सकते हैं बर्थ कंट्रोल यूज कर सकते हैं जैसे यू नो बर्थ कंट्रोल्स ताकि वो ना हो आगे यू नो रिप्रोडक्शन ठीक है सो ह्यूमन कैन कंट्रोल इट आर्टिफिशलीट मैरिज लेस चिल्ड एंड बर्थ कंट्रोल अब दूसरा होता है पॉजिटिव चेक अभी ये बाई नेचर होता है इसमें क्या होता है कि जैसे आगे बात है जैसी पॉपुलेशन बढ़ती है तो प्रॉब्लम्स क्रिएट होना शुरू हो जाती है और लोग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का जब सोल्यूशन नहीं मिलता तो लोग क्या करते हैं एक दूसरे से लड़ते हैं वोर्स होती हैं जैसे वर्ल्ड वार वन हो गई वर्ल्ड वार टू हो गई तो ये इनके रीजन जो है वो यही हैं ठीक है बहर पूरे ये नहीं है क्योंकि सेकेंड जो वर्ल्ड वॉर की वजह से जर्मनी के अंदर काफ़ी बुरे हालात आ गए थे तो जिस वजह से उसको वार में जाना पड़ा ठीक है अगर वहां पे वर्ल्ड वॉर वन के एंड में जर्मनी कितने बुरे हालत नहीं होते तो जाहिर सी बात है वो वार में नहीं जाता ठीक है सो रीजन यही होता है बुरे हालात ठीक है डिजास्टर सिचुएशन सो अभी अगर आप और दूसरी चीज ये होता है कि फ्लड्स आ जा जाते हैं और जैसे ही काफी पॉपुलेशन बढ़ती है तो फूड uh, शॉर्टेज हो जाती है और फिर खुद नेचुरली जो है लोग भूख uh, uh, से मरना शुरू हो जाते हैं सो so, ये होते हैं पॉजिटिव चेक्स। अब ये जो भी है ये है मेलथ्यूजियम थ्योरी के अकॉर्डिंग विच इज इट सेल्फ इज नॉट सफिशिएंट, ठीक है मेलथ्यूजियम पॉपुलेशन थ्योरी में अगेन मैं रिपीट करता हूँ उसके ऊपर काफी क्रिटिज्म आए और काफ़ी इकोनॉमिस्ट ने इस थ्योरी को रिजेक्ट किया है ठीक है मॉडर्न इरा में अप्लाई नहीं होती अब सो ऑफकोर्स वी हैव फास्ट इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट नाउ सो नेचर कैन ऑल्सो फिक्स दिस एंड ब्रिंग द बैलेंस बैक बाय बाय द ऑफ वॉर फ्लड्स डिजास्टर्स एंड फेमाइंस ठीक है फेमाइंस कहते हैं जब भूख से लोग मरना शुरू हो गए ठीक है जब फाके फाके जब फाके करना शुरू कर दें लोग तो उस सिचुएशन का हम फेमाइन कहते हैं सो दिस इज सेट थैंक यू मच दिस वीडियो ग्रेट एंड